हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद आरिज। मैं आज आपको ऑटो कैड में किस तरह से प्लान को देखते हुए 3D को बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, दिस इज प्लान जो पहले से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। प्लान का साइज 40 फीट बाय 31 फीट है। इसमें मौजूद डोर, विंडो एंड विंडिलेटर के साइज यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए D4 का यहाँ पे साइज जो है 3 फीट 7 इंच, यानी 3 फीट हॉरिजेंटल है और 7 फीट उसकी हाइट है। इसी तरह यहाँ पे D1 यहाँ पे जितने भी डोर पे D1 लिखे हुए होंगे, D1 का साइज 4 फीट 7 इंच है। उस तरह D4 का साइज 3 फीट 7 इंच, विंडो का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 4 फीट 4 इंच, फिर यहाँ विंडो 2 फीट 6 इंच, विंडो 2। इसी तरह यहाँ पे वॉल थिकनेस 5 इंच का है और यहाँ पे स्टेयर केस डिटेल्स दिए गए हैं। इस स्टेयर केस डिटेल्स को देखते हुए एक 3D बनाया गया है, मैं उसको बताने वाला हूँ, जिसमें राइज 6 इंच लिया गया है और ट्रेड 10 इंच लिया गया है और स्टेयर वेट 3 फीट 6 इंच लिया गया है। स्टेयर केस रूम साइज 11 फीट 7 इंच एंड 7 फीट बाय 7 इंच एंड पिच 35 डिग्री, यानी कितने एंगल पे वो स्टेयर केस झुकाया गया है उसके। तो चलिए मैं देख लेते हैं स्टेयर केस को किस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये देखिए, ये आपका 3D में एक स्टेयर केस बना हुआ है जो डायमेंशन के साथ बनाया गया है। यहाँ पे ट्रेड 10, ये जो यहाँ पे पैर रखने वाला होता है उसको ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड यहाँ पे 10 इंच लिया गया है और जो यहाँ से ऊपर की जानिब होता है राइज, इसको बोलते हैं राइज, 6 इंच लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्लान को 3D में किस तरह से बनाया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बनाने के लिए हम प्लिंथ ड्रॉ किए हैं, मैं उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्लिंथ बना हुआ आ गया है, जिसको आम अल्फाजों में जो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ऊंचा करके बिल्डिंग बनाया जाता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे ओपन स्काई, यहाँ जो ओपन स्काई दिख रहा है, ये ओपन स्काई को यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा प्लिंथ लेवल इसको बोलते हैं, ये मेरा एरिया साइज है बिल्डिंग का। अब मैं इस पे क्रिएट करने वाला हूँ, सेकेंड ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्लास्टर कर देते हैं ताकि मिट्टी यहाँ पे न रहे। थर्ड ऑप्शन वॉल का, यहाँ पे देखिए इस प्लान को देखते हुए एक 3D क्रिएट किया गया है कि मेरा बिल्डिंग का लुक देखने में किस तरह का लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले प्लान को देख लेते हैं। यहाँ पे गेस्ट रूम है, उसके बाद बरामदा है, बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है बीच में, फिर यहाँ पे बेडरूम है, किचन है जिसका साइज दिया हुआ है, इसी साइज को लेते हुए 3D को बनाया गया है। यहाँ पे ये मेरा गेस्ट रूम है जिसका एंट्रेंस ये रहा, फिर एक ये एंट्रेंस रहा, फिर यहाँ से गेस्ट रूम में आते हुए हम अंदर भी इन कर सकते हैं। उसी तरह ये मेरा रूम रहा जिसका एंट्रेंस अंदर से है, यहाँ से हम इसमें जा सकते हैं, फिर यहाँ से इसमें, फिर इसमें। यहाँ पे ये मेरा बेडरूम रहा, ये मेरा बेडरूम और ये किचन डोर है। यहाँ से जो एंट्रेंस, ये जो गेट दिख रहा है, ये बाहर जाने के लिए है। उसी तरह फिर यहाँ पे मेरा एक हॉल हो गया, हॉल से इस तरह से हम आते हुए बाथरूम एंड टॉयलेट, ये मेरा टॉयलेट है जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये जो देख रहा है ये वेंटिलेटर है। गेस्ट रूम में विंडो 2 लगाए गए हैं ताकि इसके अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। इसी तरह बेडरूम में भी 3 विंडो लगाए गए हैं जिसमें कि एयर सर्कुलेशन आसानी से हो सके। यहाँ पे देखिए, मैंने डोर को भी फिक्स कर दिया है, डोर को देख लेते हैं कि डोर कैसा लुक देखने में लगता है। ये रहा आपका डोर, जो मेन डोर है, जो यहाँ पे डायमेंशन 4 फीट है इसका, मेन डोर का 4 फीट 7 इंच है, तो यहाँ पे 4 फीट 7 इंच का एक डोर क्रिएट किया गया है। इसी तरह ये भी डोर है, फिर अंदर वाला डोर देख लेते हैं, ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है। इधर टॉयलेट में भी मेरा गेट लग गया है। अब मैं अगला स्टॉपिक पे जाता हूँ,
फैब है विंडो, विंडो में यहाँ पे ग्रिल लग चुका है, जो विंडो का देख लीजिए ग्रिल, विंडो यहाँ पे ग्रिल लग गया है, विंडो भी यहाँ पे इस 3D में फिक्स हो गया है। लेयर का यूज करते हुए मैंने इसे क्रिएट किया है। तो चलिए फिर अगला पोजीशन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 6 आ रहा वेंटिलेटर का, जो टॉयलेट और किचन और बाथरूम में लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए वेंटिलेटर है, मैं ओपन कर रहा हूँ वेंटिलेटर को देख लेता हूँ कौन है मेरा वेंटिलेटर। ये रहा वेंटिलेटर जो किचन में लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे टॉयलेट में भी होंगे, टॉयलेट में भी देख लीजिए ये वेंटिलेटर बनाया गया ताकि एयर सर्कुलेशन आसानी से हो सके। फिर अगला स्टेप देख लेते हैं 7 एस्टेयर केस। एस्टेयर केस को यहाँ देखिए एस्टेयर केस को क्रिएट किया गया है, दिस इज एस्टेयर केस। यहाँ से इसको एस्टेयर केस रूम बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम जाकर फिर इस पे आ सकते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ओके, तो इस तरह से मेरा एस्टेयर केस भी 3D में क्रिएट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 स्लैब। अब मैं स्लैब का पोजीशन देख लेता हूँ। यहाँ देख लीजिए ये मेरा स्लैब क्रिएट हो गया है। स्लैब ये ओपन स्काई जो हवा और रेन वाटर के लिए यहाँ पे खोला जाता है ताकि एयर सर्कुलेशन आसानी से रहे, इस तरह से खुला हुआ यहाँ पे स्टेयर केस बना हुआ। फिर यहाँ पे आ रहा है 10 ग्रिल। अब यहाँ पे ओपन स्काई जो है उस पर मैं ग्रिल लगा चुका हूँ। यहाँ देख लीजिए ओपन स्काई के पास एक ग्रिल, ये ग्रिल लगा हुआ आ गया है ग्रिल। फिर नेक्स्ट 11 फर्स्ट फ्लोर वॉल एंड यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट फ्लोर क्रिएट हो गया है। बस सेम है, फर्स्ट फ्लोर में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सेम है। ये मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरा बरामदा हो गया, ये बेडरूम एंड बेडरूम, दिस इज किचन। यहाँ पे ओपन स्काई स्पेस, यहाँ पे फिर एस्टेयर केस, फिर उसी तरह यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट होंगे, फर्स्ट फ्लोर डोर। फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर डोर क्रिएट हो गया है, यहाँ पे डोर क्रिएट हो गया है। देख लीजिए डोर अच्छे से देख लीजिए किस तरह से डोर को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये विंडो भी क्रिएट किया हुआ आ गया है। फिर आगे नेक्स्ट है 14 स्टेयर फर्स्ट फ्लोर। फिर मेरे को स्टेयर छत पे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर चाहिए, तो चलिए मैं स्टेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा स्टेयर केस बना हुआ आ गया है, यहाँ पे आ गया। अब मैं आगे नेक्स्ट जाता हूँ। उसके बाद 15 फर्स्ट फ्लोर स्लैब, ये मेरा स्लैब आ गया है, स्लैब स्लैब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी सेकेंड फ्लोर भी मेरा रेडी हो गया है। अब मैं आपको फिर नेक्स्ट आगे ले जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे 16 फर्स्ट फ्लोर ग्रिल, फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर यहाँ पे ग्रिल ग्रिल को क्रिएट किया गया, ये ग्रिल क्रिएट किया गया है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर को भी मैं चालू कर देता हूँ। फिर यहाँ पे है पैरापेट वॉल, फर्स्ट फ्लोर पे साइड में पैरापेट वॉल लगाते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको पैरापेट वॉल क्या होता है। तो चलिए देख लीजिए ये पैरापेट वॉल क्रिएट हो गया है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए आप सनसेट, अब मैं सनसेट को भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए विंडो में, यहाँ पे विंडो में सनसेट क्रिएट हो गया है, ये देख लीजिए सनसेट में क्रिएट हो चुका है। इसी तरह चारों तरफ मेरा सनसेट क्रिएट हो गया है। ओके, स्टेयर केस रूम, जो सबसे ऊपर स्टेयर केस रूम बनाएंगे, ये देखिए मेरा स्टेयर केस रूम बना हुआ आ गया है। स्टेयर केस रूम, स्टेयर केस रूम बना बन गया है। अब मैं आगे लोकेशन डिजाइन दे देता हूँ ताकि अच्छे लगे देखने में। इसके लिए मैं डिजाइन पहले से बना चुका हूँ। यहाँ पे देख लीजिए रेलिंग में दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डेकोरेटिव बहुत अच्छे से डेकोरेटिव किया गया है। यहाँ पे रेलिंग बनाया गया है जो स्लैब के साइड में है। यहाँ पे देख लीजिए ये रेलिंग बनाया गया है जो बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है 20 जो खपरा का डिजाइन दिया जाता है, वो मैंने डिजाइन भी क्रिएट किया है ताकि लोकेशन अच्छा लगे। यहाँ पे देख लीजिए क्रिएट है।
यहाँ पे इस तरह का डिजाइन दिया गया है ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे। इसी तरह फिर सामने का भी देख लीजिए, फिर ये भी है, फिर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसी तरह चारों तरफ डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पे इसका भी लोकेशन बनाया गया है। हमको उम्मीद है यह वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेरा आ रहा है डिजाइन। अब मैं डिजाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे एलिवेशन में मेरा लोकेशन अच्छे लगने के लिए मैं एक डिजाइन बनाया हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरा डिजाइन रहा, वेशन डिजाइन, फर्स्ट फ्लोर वेशन डिजाइन। ये मेरा बैक साइड है। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेंटिलेटर में एक रॉड नहीं आया, देख लेता हूँ क्यों नहीं आया। यहाँ पे देखिए वेंटिलेटर क्रिएट हो गया है। ये